मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म भूतां व्यातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणगणहे। कर्म प्रधान सर्व विश्व करी राखा, जो जस करई तस फल चाखा। बीज बोए बबूल का आम कहाँ से होए। जिन जीवों को बबूल के फल नहीं चाहिए, काटे नहीं चाहिए, वे जीव बबूल के बीज नहीं बोए। जिन जीवों को आश्रय नहीं करना हो, वे आश्रय के कारणभूत आने वाले परिणाम न करें। आने वाले ये 8-10 सूत्रों में एक नया प्रकरण आएगा, किन किन परिणामों के निमित्त को लेकर जीव को किन किन कर्मों का आश्रय होगा। बहुत ही शानदार सुंदर प्रकरण है ये। टोडरमल जी साहब ने, अमृत चंद्र स्वामी जी ने भी आत्मख्याति में एक साधारण उदाहरण दिया था कि भोजन का एक कौर खाता है और उसमें फिर अपने आप धातु उपधातु चर्बी हड्डी खून आदि रूप वे सब परिणमित हो जाते हैं। आज तो विज्ञान और डिटेल्स में इसकी सिद्धि करता है, पुष्टि करता है। यद्यपि भोजन के किसी कण में ना चेतना है ना वैसा कोई बल है, ऐसा होने पर भी सोए में ये निमित्त निमित्तिक संबंध ऐसा वर्तता है। देखो ना, काल की अपेक्षा भी घटित कर सकते हैं। दही सुबह खाओ और दही शाम को खाओ, फर्क पड़ेगा स्वास्थ्य में। क्यों? ये तो जो खा रहे हैं उस मात्रा में कंस्टिट्यूएंट्स मिले ना हमको, उससे क्या फर्क पड़ता है। टाइम मैटर्स। ये एक एक चीज ख्याल में आते है। ठीक उसी प्रकार अष्टमी चौदस अष्टनिक दस लक्षण आदि महापर्व में किया गया पाप विशेष फलदायी है, किया गया पुण्य विशेष फलदायी है। अनेक अनेक पहलुओं से हम इसको विचार सकते हैं। पहला सूत्र हम लेते हैं, तत्प्रदोष निन्नो मात्सर्यांतराया साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरणीय हो। पीछे एक ग्रंथ रखना, कोई उठ के पीछे पीछे रखो ग्रंथ एक। ये सुनो, ए यहां पर तो है चौकी पीछे। हाँ देखिए, चार्ट्स बनेंगे हर जगह, आठों जितने भी कर्म बनेंगे। अभी कुछ नहीं करना है, अभी थोड़ा रुक जाए। पहले तो हम इस बात को विचारें कि यहां पर ज्ञानावरण और दर्शनावरण के आश्रयों के कारणों को गिनाए जा रहा है। युगपत चर्चा चल रही है दोनों की। इन दोनों के आश्रय बताने के लिए दो पृथक सूत्रों का प्रयोग क्यों नहीं किया गया। ज्ञानावरण दर्शनावरण जो जो कारण ज्ञानावरण के आश्रय में कारण है, वे ही सब कारण को लेकर दर्शनावरण का आश्रय होता है। ऐसा क्यों, पहले हम इसको विचारें। क्योंकि ज्ञान और दर्शन ये एक दूसरों से बहुत निकटता को लेकर संबंध स्थापित किए हैं। जब भी लक्षण की बात आती है तो चेतना कहकर उसमें ज्ञान दर्शन दोनों को समाहित करते हैं, एक हेतु। दूसरा हेतु, छद्मस्थावस्था में दर्शन पूर्वक ज्ञान ही होता है, दर्शन बिना ज्ञान नहीं ही होता, इतने जुड़े हैं एक दूसरों से। दो, तीसरे हेतु, इनका उदय बराबर चलता है। बराबर चलता है मतलब ज्ञानावरण का उदय 10वें तक चलता है, दर्शनावरण का भी 10वें तक चलता है। उदय की समानता, सॉरी सॉरी सॉरी, दर्शन ये मुझे बंद कहना था, बंद
दर्शनावरण का बंद दसवें तक होता है, ज्ञानावरण का भी बंद दसवें तक होता है। कौन सा बिंदु चलेगा अभी? चौथा। उदय अपेक्षा ज्ञानावरण का उदय बारहवें तक चलता है, दर्शनावरण का भी बारहवें तक चलता है। उदय अपेक्षा समानता, बंद अपेक्षा समानता, और क्षयोपशम की अपेक्षा हम यहां पर विचार करें, जिनको ज्ञानावरण का विशेष क्षयोपशम है उनको दर्शनावरण का भी विशेष क्षयोपशम रहता है। दर्शनावरण का हो उनको ज्ञान का भी होता है। मैं हमेशा एक उदाहरण देकर समझा तो इस बात को आपके ज्ञान में होगा। नींद में है कोई, उसको कौन से कर्म का उदय चल रहा है? दर्शनावरण का उदय चल रहा है, निद्रा। उसमें उसको ज्ञान होता है क्या? घर लूट के चला जाए कोई तो भी उसको पता नहीं चलता। उसको फोटो खींच के दिखाई जाए कैसा सो रहा था, कहां पर तकिया था और कहां पर ओढ़ने का था, सब वो यकीन नहीं मानता उसको। क्या कहना चाहता हूं मैं, ज्ञान भी होता नहीं है उसको। और इतना दो तीन घंटे का स्वप्न देखा और आंखें खोलते ही एकदम क्या देखा वो स्वयं ही भूल जाता है। ज्ञान एकदम मंद चलता है निद्रा के काल में। मुझे क्या सिद्ध करना था? जहां पर दर्शनावरण का क्षेपक्षम कम होगा, ज्ञानावरण का भी कम होगा, अकॉर्डिंगली लगा लेना। विशेष उगाड़ होगा तो दोनों का एट ए टाइम होगा। कितने हेतु हुए? पांच हेतु हुए। इन सब कारणों को लेकर ज्ञानावरण दर्शनावरण इनका बहुत निकट से संबंध होता है। यहां तक कि मैंने आपको एक बार कहा था, मतिक ज्ञान की परिभाषा करने लग गए पूज्यपाद स्वामी, प्रमाणम आकलंकस्य पूज्यपादस्य लक्षणम। पूज्यपाद लक्षण के लिए प्रसिद्ध है। समस्त आचार्यों में यदि आपको परिभाषा देखनी हो तो पूज्यपाद की परिभाषा देखी जाए। बोलिए, पूज्यपाद स्वामी की कोई परिभाषा बताएगा मतिक ज्ञान की? मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से तथा दर्शनावरण कर्म के क्षयोपशम से तथा वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से, ये तीनों की तीनों बातें आएगी वहां पर। कोई भी चर्चा करेंगे ज्ञान की, दर्शनावरण तो बीच में लाएंगे और वीर्य तो ऐसा आएगा कि वीर्य तो हर एक परे को ताकत देने में तो कार्यकारी है, इसलिए वीर्य तो आएगा ही। समझ में आता है? इन सब कारणों से सबसे पहले हमने ये देखा, ज्ञानावरण दर्शनावरण की दोनों की युगपत चर्चा की है। आपको याद आ रहा होगा मोक्ष मार्ग प्रकाशक यदि पढ़ा होगा तीसरे अध्याय में, कर्मों के निमित्त से जीव को होता हुआ दुख, वहां पर भी आठों कर्मों के निमित्त से होता दुख अलग अलग प्रकरण लिखे। ज्ञानावरण दर्शनावरण में ऐसा नहीं किया उन्होंने, संभव ही नहीं है करना। ठीक है, अभी सूत्र की तरफ आइए। सूत्र एक बार फिर से पढ़ लेवे, फिर एक एक की चर्चा करनी है। तत् प्रदोष निन्नव दो, मात्सर्य तीन, अंतराय चार, आसादन पांच, उपघात छह, ज्ञान दर्शनावरण यो हो, आवरण ये दोनों को लगा लेना। तत् किसकी तरफ संकेत करता है? तत् एक्चुअली इट इज अ प्रोनाउन। अबाउट हुम यू आर टॉकिंग अबाउट? अबाउट व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट? तो जिसकी चर्चा चल रही है उसको क्या बोला? अगेन अगेन तत्। तत् मतलब किसका? किसका प्रदोष, किसका निन्नव, किसका अंतराय, किसके संबंधी मात्सर्य तो ज्ञानावरण का आश्रय होगा? तो कहते ऑब्वियसली ज्ञान। नाम से ही सिद्ध होता है कि किसकी चर्चा चल रही है। ज्ञानावरण का आश्रय कब होता है? तत्प्रदोष, यदि ज्ञान में प्रदोष लगाओगे तो ज्ञानावरण का आश्रय होगा। समझ में आते? दर्शन में प्रदोष लगाओगे तो दर्शनावरण का आश्रय होगा। यह तत् का अर्थ मैंने खोला। अभी एक एक शब्द की तरफ चलते हैं। प्रदोष, ठीक है, अपने ज्ञान में प्रदोष लगाने से, दूसरों के ज्ञान में प्रदोष लगाने से चरणानुयोग की शैली, किसी यथार्थ ज्ञान में प्रदोष लगाने से ज्ञानावरण का आश्रय होता है, यह पहला बात हो गई। अब प्रदोष क्या चीज है? किसी ज्ञानी की चर्चा चल रही हो अथवा ज्ञान की चर्चा चल रही हो, उसकी सीधे अच्छे मूड से प्रशंसा नहीं करके उसको निंदा का विषय बनाना, फिर पीठ पीछे खूब चुगली आदि करना, निंदा का विषय बनाना, बस
इसे कहेंगे प्रदोष। अब प्रशंसा नहीं करना कहो तो भी है प्रदोष, बस किसी की कोई विशेष बात आई बस चेहरा नहीं खुल रहा है, और मुक्त कंठ से प्रशंसा नहीं हो पा रही हो तो खुले हृदय से तो होनी चाहिए। क्या बोला मैंने? मुक्त कंठ से मतलब बोल के नहीं करते हो तो अंदर से तो अच्छा उमड़का आना ही चाहिए। कैसे निरूपण किया? अच्छा खोला। प्रशंसा तो करना ही नहीं और निंदा के स्तर पे चले जाना, इसको कहते ज्ञान का प्रदोष करना। मैं इस मामले में मैं हमेशा एक बात कहता हूं, हमको राजा भोज की रीति को अपनाना चाहिए। मैंने कहा था राजा भोज के काल में सभी विद्वानों को जैसा आदर सम्मान मिला था, प्रश्रय मिला था, ऐसे अन्य काल में हम उम्मीद नहीं कर सकते। और ये प्रसिद्धि थी तब, वहां के सभी कवि विद्वान साहित्यिक ये सबसे समृद्ध थे वहां के। आज जैसी स्थिति नहीं थी, नौकरी क्यों करेगा विद्वान? पूरी समाज विद्वान की सेवक है, वे दिशा निर्देश करते हैं, समाज का देश का उद्धार करते हैं, और उनका होना यह बहुत बड़ी संपत्ति है समाज को, एक दिशा निर्देश है। तो राजा भोज का स्पष्ट कहना था कि जन्म से यदि विप्र भी हो, विप्रोपी ब्राह्मण भी हो और भवेत न विद्वान, और यदि वो विद्वान नहीं हो, ब्राह्मण होकर भी यदि संस्कृत प्राकृत की विद्वत्ता नहीं हो, साहित्य का ज्ञान नहीं हो, वो गांव से बाहर चला जाए। मैं छन भी अभी बोल के दिखाऊंगा। और दूसरी तरफ ये कहते थे, कहार होते ना, कहार आपने सुना होगा, ये डोली चलाने वालों को कहार कहते हैं, कावड़ चलाते लेके जाते हैं शिखर जी के जो कराते ही आते। कहार भी हो हल्की जात का और वो यदि विद्वान हो, संस्कृत प्राकृत का विशेषज्ञ हो, उसको नगर में स्थान नहीं, अत्यंत सुप्रतिष्ठित पद पर वो बना रहेगा। और यही राजा भोज की मैंने एक बार आपको सुनाई थी, आपको याद होगा, वो जो भी आया थोड़े क्षण सुनाए, थोड़े एक प्रकार का लोग कहेंगे ही हैज गॉन मैड, लिटरली मैड। क्यों? मैडनेस इतनी थी, कोई आकर क्षण सुनाए बस, स्वयं ने किया वाला भर भर के उसको बांटते थे। तो इसी को लेकर शंका उत्पन्न हुई मंत्री को कि इससे तो राजकोष पूरा खाली हो जाएगा, याद आ रहा है? तो किसी ने बहुत गुप्त रूप से एक मैसेज रख दिया वहां पर। क्या रख दिया? आपदार्थम धनम रक्षेत, आपदा कभी भी आ सकती है, नेचुरल कैलिमिटी कैन नॉक एनी टाइम, बिवेयर, पैसा थोड़ा बचा कर रखो। उन्होंने देखा, थोड़े मुस्कराए, ज्ञानी जनों की रीति नीति ऐसी होती है, बेचारा सामने नहीं आ पा रहा है, हम इसकी क्यों परीक्षण करें किसने लिखा है। उसने लिखित रूप में लिखा है, अपनी लेखनी में भी उतना दम चाहिए कि वहां तक जाकर वो अटैक करे। लिख दिया श्री मताम कुता आपदा, जो पुण्यशाली जीव होते उनको कोई आपदा ही नहीं आती, तुम भूल जाओ इस बात को। कितना कॉन्फिडेंस, और पैसा पूरा विद्वानों पर लुटाता था। समझ में आया? अगेन चिट्ठी आई, दैवात क्वचित समय आती, क्या अर्थ है? भाग्य में, भाग्य से कदाचित ये भी हो सकता है। कैसा हो सकता है? श्रीमताम कुता आपदा, आपने कहा ना महान पुरुषों पर आपदाएं नहीं आती, अरे दुर्भाग्य से ऐसा भी हो सकता है। फिर देखो रावण, फिर देखो ये, फिर देखो वो हरिश्चंद्र आदि। अंत में लिखा था संचितोपि विनश्यति। राजा भोज ने अपनी तरफ से लिखा, क्या लिखा? अरे तुम जिस दुर्दैव की बात करते हो, तब तो फिर कितना भी संचय करोगे तब भी उसका अभाव होगा, उसकी तो बात ही मत करो। ये राजा भोज की। तब उन्होंने एक प्रसिद्ध, ये प्रसिद्ध है, देखिए, चांडालोपि भवेत विद्वान, चांडाल भी विद्वान यदि हो, य सतिष्ठसु मे पुरी। क्या अर्थ होगा इसका? य सुतिष्ठसु मे पुरी, मे पुरी
मेरे पुर में, पुर मतलब मेरे नगर में वो वास कर सकता है, वास कर सकता नहीं, सुतिष्ठसु चांडालोपी भवित विद्वान यस्तिष्ठसु मे पुरी विप्रोपियो भविन मूर्ख। यदि विप्र होगा और वो यदि मूर्ख होगा, स पुरा बहिरस्तु मे, ये गांव से बाहर निकल जाए। इसीलिए जिस दिन राजा भोज का मरण हुआ था, सबसे ज्यादा दुख हुआ होगा यदि धारावासियों को, ये मुंबई वाली धारा भी नहीं है, जहां पर राजा भोज रहता था उस नगर का नाम धारा था। इसलिए सबसे बड़ी आपत्ति किन पर आई होगी, जितने साहित्यिक कवि विद्वान थे उनको इतना रोना आया उस दिन, उन्होंने कहा अरे आज ये धारा निराधार हो गई, निरालंब हो गई, अद्य धारा निराधारा निरालंबा सरस्वती, आज सरस्वती निराश्रय हो गई, सरस्वती को अभी पालने वाला कोई नहीं रहा, हम जैसों का भी कौन देखेगा, सच्ची विद्वत्ता का मान सम्मान करने वाला वो आदमी चला गया। अद्य धारा निराधारा निरालंबा सरस्वती पंडिता खंडिता सर्वे, आज सब पंडित खंडित हो गए, पंडिता खंडिता सर्वे भोज राजे दिवंगते। ये भी प्रसिद्ध है, ये उनकी रिसर्च से निकली हुई बात है, भोज राजे पर रिसर्च लिखा है उसमें पूरी बात है, मैंने वहां से ली है पूरी। मैं ये क्यों कहना चाहता हूं, विद्वानों का कितना समादर होना चाहिए इसके लिए मैंने कहा, और जहां पर जैसा प्रकरण आए अवश्य उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। कोई नया बिंदु आया, विद्वान मतलब आचार्य भी हो सकते, विद्वान मतलब ऐसा नहीं समझना, अभी कोई गृहस्थों की बात चल रही है, कोई आचार्य हो, कोई नया कथन आया, पांडे राजमल जी ने ऐसा कहा, अच्छी सोच है, कितनी नई सोच डेवलप है, टोडरमल जी ने ऐसा कहा, हाँ उसमें क्या हो गया, हाँ उसमें क्या हो गया, ऐसा नहीं बोलना ना, प्रशंसा नहीं करोगे तो भी प्रदोष, निंदा करोगे तो भी प्रदोष। ये प्रदोष का अर्थ सबको समझ में आ रहा है, मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट वर्ड निन्नव, निन्नव का शाब्दिक अर्थ है आप जानते होंगे, बोलिए कोई निन्नव कहां पर आता है ये शब्द, सम्यक ज्ञान के आठ अंगों में आठवां अंग अनिन्नवाचार, आठवां नहीं होगा तो छठवां सातवां होगा, आठ अंग है ना सम्यक ज्ञान के भी, अनिन्नवाचार छिपाना नहीं, गुरु का नाम छिपाना ये दोष में लिया है, और गुरु का नाम नहीं छिपाना ये अनिन्नवाचार। किसने पढ़ा है आपको, कौन का ही के लिए पढ़ा है, मैं ही हूं खड़ा ही हूं बस, लोप करना गुरु का, उसे वहां पर, वहां की बात है ये, निन्नव मतलब लोप करना। अब यहां पर क्या चर्चा है, निन्नव मतलब ज्ञान का लोप करना, ज्ञान का लोप करना का क्या अर्थ लेंगे, यदि किसी ने कोई प्रश्न पूछा तो उत्तर को छिपाना, मुझे आता ही नहीं, मुझे पता ही नहीं, इसलिए मैं हमेशा एक पॉलिसी है मेरी, आपको ज्ञान में होगा, मेरे पास कोई भी प्रश्न पूछने आएगा मेरा क्या कहना है इसमें बोलो, अकेले कभी नहीं आना प्रश्न पूछने, क्यों, सबसे पहली बात तो आप आपस में डिस्कस करो, आपका ज्ञान खुलेगा, आपकी फ्रेंडशिप बढ़ेगी, यूनिटी बढ़ेगी, एक दूसरों के प्रति आदर जागृत होगा, बड़ों को छोटों के प्रति भी प्रेम उमड़ेगा। कैसे उमड़ेगा, हम जिसकी सेवा करते उसके प्रति प्रेम होता ही है, और छोटों को तो होगा ही आदर, छोटे मतलब कोई उम्र की बात नहीं है, ज्ञान में जो छोटे हैं उसी क्लास में उनको भी लगेगा ये अपने को कितना पढ़ाते हैं, तो आपस में प्रेम डेवलप होगा। और फिर यदि नहीं आता हो किसी को भी तो सब मिलके आना, फिर आधे अधूरे नहीं आना, तो उनको कौन बताएगा, फिर हम बताएंगे, हम बताएंगे, तुम्हें तसल्ली होती क्या, किसी और को बताते तुम्हें तसल्ली होती क्या, थर्ड पर्सन को बताते, तो या तो सब आना मेरे पास या तो कोई नहीं आना, फिर एकाध दुखे जन कभी नहीं आना। आपस में चर्चा की, उनको सबको आता है नहीं, उनको नहीं आए तो फिर उनको भी क्यों नहीं लेके आए, आप समझ रहे हैं सब मेरी बात को, या ऐसे हमारी सबकी भावना हुए सबको आगे लेकर चले। निन्नव अपने ज्ञान को छिपाना नहीं, निरंतर प्रकट करना। इसलिए भी एक और आप भी एक बात समझ लो, अभी यहां से आप बाहर जाएंगे बारहवीं वाले, आपको जीवन में कभी भी कोई कहे
आपको लेना है आज जरूर। हम वहां पर ना बिल्कुल नहीं बोले, और आपको एक महीना लेना है जरूर लूंगा, पाठशाला लेनी है जरूर लूंगा। मैंने मेरे भी सचमुच ऐसा ही था, मुझे कुछ विशेष आता भी नहीं था, लेकिन ये पक्का था कोई बोले बैठो जरूर बैठेंगे। और जैसे मैंने कहा है, और अपन को कुछ नहीं आया तो वो सामने वाला समझे ना, उसने जब अपने को बिठाया है तो समझने का काम उसका था, चाहे इसमें भी अपनी क्या गलती है, हम क्यों अपनी कमी सोचे। हम तो ये सोचे उसने सोच समझ कर हमको बोला है, और क्या चाहते हैं, इससे बढ़कर बड़प्पन क्या चाहिए कि किसी को नहीं कहकर अपने को कहा है। मैं क्यों कह रहा हूं, ज्ञान को बिल्कुल नहीं छिपाना, समझ में आता है। इसलिए भी मैं कहता हूं कि आप शर्मा जाओगे यदि कुछ बोलने में करने में, तो हमको बहुत पेन होगा। क्यों, हमने कोई कसर नहीं छोड़ी, हमने कोई कंजूसी नहीं करी, भर भर के आपको दिया तो आपने पास ऑन क्यों नहीं किया। परंपरा खंडित हो जाएगी ना, वहां पर परंपरा चलनी चाहिए आगे आगे आगे। निन्नव छिपाना नहीं ज्ञान को। अच्छा, अब इसको परमार से भी लेना, हम स्वयं को अनफिट और अकाबिल नहीं समझे किसी भी ज्ञान को, हम ज्ञान को मत छिपाओ। क्यों, हम प्रयास करो कोई भी चीज सीखने के, पूछो 10 जनों को पूछो, क्यों नहीं समझ में आएगी। अपने ज्ञान को मत छिपाओ, ये प्रसिद्ध नियम है। मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूं, जिसका आप प्रयोग करोगे यूज में रखोगे तो वो चीज अच्छी रहती है, ये रूल है। डॉक्टर्स कहते हैं आजकल दांत की समस्या आने लग गई, क्यों आने लग गई, गन्ना खाना बंद किया लोगों ने, कोई भी च्यूएबल चीज खाना बंद करी, सबको एकदम जूस चाहिए आज फटाफट, कौन चबाए कौन करे, जमाना कहां से कहां चल रहा, बस चले सब। तो विज्ञान क्या कहता है, आप जिस इंद्रिय का उपयोग करोगे वो प्रबल बना रहेगा, एनीथिंग। और जिसका काम में नहीं लोगे, आप हाथ पैर भी हो, आप हलन चलन नहीं करोगे, कुछ मूवमेंट नहीं होगी, बाद में देख लेना, फिर एकदम थोड़ा कुछ करोगे थकान आएगी। ये तो एक उदाहरण था, सिद्धांत कौन बताएगा। लोहा आदि धातु भी ले लेना, उसको प्रयोग में नहीं लो, अरे गाड़ी परचेस करो आप 10-15 लाख की एकदम A1 पीस, और उसको यूज नहीं करो आप। जानते हो गाड़ी को यूज में लाते रहे और गाड़ी को यूज में नहीं लाते रहे, अपन को लगता है पेट्रोल बचता है, ऐसा नहीं होता है। वो फटाफट हर महीने में उससे दुगना खर्चा निकालेगी, इसको बैटरी अपडेट हो गई, ये खराब हो गई, ये बदलो ये बदलो ये बदलो, समझ में आता है। हमने फ्लैट खरीदा बंगला खरीदा, दे दो किराए पर, क्यों क्यों, क्या किराए की आवश्यकता नहीं है, उसमें किसी को रहने दो, क्यों, क्या पर्पज है बोलो, साफ सफाई बनी रहेगी, फिर कौन आता है कौन जाता है ये कौन ध्यान रखे ना है, और झाड़ पत्ता सब उसको धूल वूल ये कौन करेगा मेंटेन। अब मैं तो मेरा उदाहरण चलाना है, मुझे काम चलाना है, मुझे अपना सिद्धि करनी है, फिर कोई ये ना कहे आकर नहीं साहब ऐसा भी हो सकता वैसा भी हो सकता है। हम जिसका ज्यादा उपयोग करें वो ठीक बना रहता है। मैं क्यों कह रहा हूं ये, हमारे ज्ञान को यदि हमको प्रॉपर रखना है तो ज्ञान को, ज्ञान पर कभी भार नहीं होता, समझ लेना आप सब, समझ में आता है। मैं हमेशा और एक बात कहता हूं कि समझ में नहीं आता यह अपराध नहीं है, क्षेपक्षम ही ना दिख होता है, समझने की बिल्कुल इच्छा नहीं रखना यह महा अपराध है। ज्ञानी होते हुए भी ज्ञान का काम जानना था, केवल तुम्हारे राग ने रोक लगा दी कि वो भार भार जैसा दिख रहा है। भार तुमने पहले वो एक क्या कहना चाहिए उसको, एक कॉम्प्लेक्स आ गए तुम्हारे में, थिंकिंग आ गई कि मैं कैसे झेल पाऊंगा इसको, तुम सुनने में क्या बाधा है, इतना तो समझ में आएगा ही, हमेशा बोला जाता है क्या कि मुझे समझ में नहीं आ रहा। निन्नव छिपाने का प्रयास बिल्कुल नहीं करना, जितना है उतना देते रहे, ठीक है। ये लौकिक ज्ञान में भी लगाना वैसे, क्योंकि ये कथन कोई परमार्थ में ही नहीं लगाना चाहते आचार्य देव, ये एकदम इसको ब्रॉड व्यू बनाना है इसकी, ये धर्म की अपेक्षा तो लगाना ही है। निष्प्र अपने मुनिराजों ने जहां तहा ये कोटरों में ग्रंथ लिख दे, इस पर कोई रॉयल्टी नहीं, कोई क्या कहते उसको पेटेंट, लोक में ऐसा होता है ऑल राइट्स रिजर्व्ड। बीच में क्या हुआ, शांतिपथ प्रदर्शन किसी ने पढ़ा है क्या, नहीं पढ़ा शांतिपथ प्रदर्शन ना, बहुत अच्छी पुस्तक है, बहुत ही अच्छी, जिनेन्द्र वर्णी के प्रवचन है और एकदम लोकल भाषा में है, क्योंकि जैनेतर खूब आते थे सभा में, और पूरे साइंटिफिक प्रवचन है, एक नई टोन है,
आपको एकदम वो अपील करेगी अंदर से, जैसे गुरुदेव की एक सेटेड टोन है, सहजानंद वर्णी की एक सेटेड टोन है, वैसे उनकी अपनी एक सेटेड टोन है, वो बिल्कुल स्पर्श नहीं करती एक दूसरों की टोन एक दूसरों से। तो नवीनता है, सब अपने अपने में अद्भुत है, कौन अच्छा है यह सोचने को बिल्कुल गुंजाइश नहीं मिलेगी, समझ में आता है, सबकी स्पेशलिटी है अपने अलग अलग। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मुझे विकल्प उत्पन्न हुआ कि इसको बांटे सबको, तो मैंने बहुत प्रयास किया, तब पानीपत में उसकी छपाई हुई थी, लेकिन ग्रंथ का भी बाद में पानीपत हो गया था। पानीपत समझते हैं आप लोग, पानीपत होना मतलब नाश होना। पानीपत में बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी, जानते क्या हुआ था वहां पर, हार गए थे क्या, बहुत बड़ी हार हुई थी क्या राजपूतों की, ऐसा कुछ हुआ था क्या? तो देखो, तो फिर मैंने फोन किया, मैंने कहा कि कॉपीज चाहिए हमको, तो उन्होंने कहा नहीं अभी छपाई बंद हुई है। तो बहुत बात हुई, तो फिर मैंने ये कहा कि ठीक है हम छपा लेंगे। एकदम वो भड़क गया, वो ये बोला ऐसा नहीं कर सकते तुम, ऑल राइट्स रिजर्व्ड। मैंने कहा गजब हो गए जिनवानी में, हमारे आचार्य ने नहीं किया और तुम प्रचार प्रसार नहीं चाहते क्या, इतना खराब हाल है ये वर्णी ग्रुप का, कहना नहीं चाहता। देखो आज गुरुदेव जिंदा रहे हैं ना, उनको जिंदा किसने रखा है मालूम, बुरा नहीं मानना व्यक्ति को जिंदा, व्यक्ति स्वयं जिंदा रहने की ताकत नहीं रखता ना, व्यक्ति तो चला जाता है। कुन स्वामी को किसने जिंदा रखा, अमृतचंद्र स्वामी ने जिंदा रखा, इसमें क्या शक है, उनकी टीका निरंतर वो प्रभावशाली बनती रही। अमृतचंद्र को किसने जिंदा रखा, जयचंद जी ने। गुरुदेव को जिंदा रखा इन सब फॉलोअर्स ने मिलकर, और आज यह स्थिति है, कहीं भी आप स्मारक फोन करके बोलो कि हमको इतने शास्त्र चाहिए, फटाफट ऑर्डर देते हैं, नेक्स्ट मिनट में ऑर्डर जाती है, पैकिंग चालू बंडल। और सुनो, डॉक्टर साहब ने तो स्पष्ट बोल दिया है एक जन को पेमेंट नहीं मांगना है, पेमेंट नहीं आया ये तो बोलना ही नहीं है, मेरी पे में से कट करेगा, कट कर लेना, जितना भी मुझे पे मिलता है उस पे में सब कट कर लेने है। अब इससे तो कोई बड़ा नहीं होगा, और भी कम पड़े मेरे को मांगना, किसी पार्टी को पैसा नहीं मांगना है, आप समझते हैं। और लोग तो सज्जन है, लोग तो पहले पूछते हैं पैसा तो क्या करते, कहते मालूम है अपन के पैसा बोलो, अरे अरे कैसी बात करते हो, माल तो आपके पास आने दो फिर देख लेंगे, कुछ भी करके पैसा नहीं बोलते हो पहले। और उन संस्थाओं की यह समस्या है कि अभी मुझे नियम सार आदि कई विषयों पर मुझे सहजानंद वर्णी जी के प्रवचन चाहिए थे, 2 साल पहले की बात कह रहे हो, 2-3 साल पहले की, या अभी मैंने शांतिपद प्रदर्शन की अलग बात कही, अभी तो फिर से छपने लग गए उनके वर्णी जी। अब मैं मेरठ गया था पंजाब भी पुरुषन पर्व में पिछले साल, तो तब मैं जाके आया, देखा मैंने नियम सारा एक भी कॉपी नहीं प्रवचन की, नो कॉपी, हार्ड कॉपी भी कुछ नहीं तुम्हारे पास, कुछ नहीं, जीरो, परीक्षा मुख एक कॉपी, दिमाग लगी है अभी थोड़े दिन में खत्म हो जाएगी, पंचाध्यायी लास्ट कॉपी, सब एक एक कॉपी पर आकर रुके हैं, और मतलब वो कोई ले जाए तो खेली खत्म है फिर उनका, और कई ग्रंथों की तो है ही नहीं, कॉपीज ही गायब, गायब मतलब ऐसी दे जाकर आगे का प्रोग्रेस पूरा खत्म हो गया। और जो उसमें समर्पित माने जाते हैं, इतने बड़े पैसे वाले हैं सब कहते, मैं वहां पर अभी जाके आया था, किसी को फुर्सत नहीं देखने की, और सभी बड़ी बड़ी संस्थाओं का यह हाल है। मैं अभी अभी और मथुरा भी एक जगह जाके आया था, इतना जेन्यून साहित्य किसी को फुर्सत नहीं देखने की, और प्राचीन का संवर्धन करना, उसको मैंने कहा कंप्यूटर में डालो उसका नया नया, मैं यहां तक अप्लाई करके आया अभी मथुरा में, वहां पर क्या है मथुरा का पता है आपको, दिगंबर, हाँ वो ट्रस्ट का नाम पता है आपको, तो 84 मथुरा की बात करो, तो फिर वहां से एक जैन संदेश छपता था, तो मैंने पूरा वहां पर जाकर 2-3 घंटे पूरा देखा, मैंने पूरी पुरानी लगभग 80 साल पहले के सब पूरी पत्रिकाएं खूब पढ़ता रहा, और मैंने कहा इसको छपाई कराए, तो फिर मैं अप्लाई भी करके आया, इसमें जितना पैसा लगेगा छपाई में, कैलाश चंद जी एक हुए हैं विद्वान ये वाराणसी वाले, सब जेन्यून साहित्य है उनका, मैंने कहा जितना भी पैसा लगेगा हम देंगे, मैं उनके ट्रस्टी से भी बात की, सब की फोन नंबर सब लिख के आया,
नो वन टर्न्ड अप, और वो स्वयं बोल रहा था, बोले आपके कोई नहीं सुनेगा, कुछ नहीं होगा यहां पर, यहां पर किसको फुर्सत है बोलने, बड़े बड़े काम करते हैं सब, यहां पर आते नहीं है बोले, और उसका हाल देखते बनता था सब। मैं क्यों कह रहा हूं ये, निन्नव, हमको जितना आता है उसको छिपाना नहीं, उसको उजागर करना, ठीक है, और देने से ही बढ़ता है, इसका भी विश्वास हमको रखना चाहिए। ज्ञान धनम सर्वधनम प्रदानम वे कृते वर्धत, जितना खर्च करोगे उतना बढ़ेगा, इसको सड़ने मत दो। पानी इकट्ठा होता है तो सड़ते रहता है, कुएं का भी नियम है, पानी खींचोगे पानी फ्रेश बना रहेगा। अब जानते हैं ना कुएं का नियम, कुएं में से पानी नहीं खींचोगे वो सड़ेगा। वे तो कुआं बनाएंगे, ऐसा भी बोल रहे थे, कुआं बनाऊंगा कौन खींचेगा, और दो तीन बाल्टियों से काम थोड़ी निकलता है, वहां पर चाहिए तो 10-12 बाल्टियां पानी खींचे, कभी कोई दोपहर में आए कोई शाम को आए, अलग अलग टाइम पर उसको छेड़ा जाए बार बार, नहीं तो सड़ेगा फिर वो। और सड़ा हुआ पानी कुएं का पानी वो भी अनुचित का है। मैं क्यों कह रहा हूं इतना सारा, उठाव होगा तो फ्रेश बना रहेगा, नया नया आता रहता है, उठाव नहीं होगा तो सड़ेगा, किसी के काम का नहीं होगा। समझ में आता है, अपने में सीमित ज्ञान, जो ज्ञान अभी कागजों में सीमित कहो या अपने एक एक दिमाग में कुंठित है, वो भी उसको भोग नहीं पाता ज्यादा काल के लिए। इसलिए दर्शन ने फटाफट, और 5 ही दिन में समाधि हो गई थी उनकी, ये सब 5 साल देते रहे इतना माल, और 5 दिन में ही गए, चले गए। समझ में आता है, तो निन्न अपने आचरण ने निष्प्रो होकर अपने टोडरमल जी चाहते तो बच सकते थे, मालूम ना आपको, बहुत अच्छा ऑप्शन था। अब हटा दो इस सब साहित्य को, नहीं ये नहीं होगा, इसमें हटाने लायक कुछ विपरीत बात है ही नहीं, तैयार हो जाओ तो है ही, लिखने के पहले ही तैयारी थी, आयु का कोई भरोसा नहीं, 2-4 बार लिख ही चुके थे, अकलन स्वामी सबने कैसे अपने आहुति लगाई है, अपने को बिल्कुल ज्ञान को नहीं छिपाना चाहिए। समझ में आता, मुझे नहीं आता नहीं आता, ये देखो मैं कहता हूं, घुटने फूटे बिना कोई साइकिल चलाना नहीं सीखता, नाक में पानी जाए बिना बोलो कोई तैरना नहीं सीखता, और सब ऐसे ही सीखते हैं धीरे धीरे, ठीक है, पेट से कोई सिक्कर नहीं निकलता, निन्न हो, ढकना नहीं छिपाना नहीं, पता नहीं ये नहीं कहना, ठीक है। थर्ड कहां चलेगा, मात्सर्य। अब मात्सर्य में थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ना, अब टेबल बनाएंगे तो उसमें टेबल बनाया कि किसी ने नहीं बनाया, मैं कहना भूल गया ना, पहले मैंने संकेत किया था, अब टेबल बनाओ, एक एक विशेषण लिखो और उसके आगे के नाम लिखो, नहीं तो आपको बहुत मूल पढ़ोगे तो भी बहुत कंफ्यूजन है। मैं कम से कम 20 दफे पढ़ा हूं इसको, सच्ची बात कह रहा हूं, इतना कंफ्यूजन है, और 2-4 टीका रखकर वो टकराती है बात बहुत, तो आप उसको बनाओगे, मैं सिलेक्टेड शब्द दे रहा हूं उसको सामने लिखते जाओ आप। तीसरा क्या आएगा, मात्सर्य में इतना ही है, साथ साथ ये भी भाव पनपना कि मेरे से आगे ना निकल कर चला जाए, फिर मुझे कौन पूछेगा मेरी प्रसिद्धि कैसे होगी, ये भाव बिल्कुल नहीं रखना। डॉक्टर साहब एक बात सुनाते हैं, भगवान महावीर और उनका सर्वोदय तीर्थ, बहुत जन ऐसे भी होते हैं ना जो ट्रस्ट से ट्रस्ट नहीं करते, समझे मेरी बात को, टोडरमल स्मारक ट्रस्ट, आई डोंट ट्रस्ट, खेली खत्म है, उनको वो संस्था का नाम नहीं देखना है। बहुत जन ऐसे है, फिर इनकी फोटो नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, फोटो के पीछे फिर पूरे ग्रंथ हट जाएगा, फिर बहुत अच्छी लगी आपकी पुस्तक तो आप एड्रेस नहीं लिखेंगे तो हम 1,000 लेने को तैयार है, हम अपने पक्ष में बांटेंगे। डॉक्टर साहब ने कहा तुम ऑथर का भी नाम नहीं लिखना, तुम्हारा नाम लिखकर चलाओ, और क्या चाहिए तुमको, मेरा नाम बिल्कुल नहीं छापना वहां पर, अभी तो किसी को तकलीफ नहीं होगी। समझ में, वो तो सर्वव्यापक फिर सबको बांटी गई थी, ये 2500वां निर्वाण महोत्सव बहुत बड़े स्तर पर मनाया गया था, तो एक जेन्यून जैन पुस्तक चाहिए थी जो सभी स्वीकार करें। एक विनोबा भावे ने दी थी अपनी तरफ से, एक जिनेन्द्र वर्णी ने, और एक डॉक्टर साहब ने, 3 जन टर्न्ड अप, 3 जन ने, एक जैन दर्शन के कुछ भी दे दो आप, जैन दर्शन का एक समग्र रूप होना चाहिए।
तो सबकी सराही गई और सबकी बिक्री बहुत हुई। विनोबा भावे वैसे जैन थे नहीं, लेकिन उन्होंने भी बहुत अच्छी पुस्तक लिखी थी, अब मैं भूल रहा हूँ उसका नाम वगैरह सब। और वर्णी जी ने समय सुत्त नाम की पुस्तक निकाली थी इसी को लेकर, वो भी खूब चली थी। चलो कहाँ तक आया मैं, मात्सर्य। तो मुझे कौन पूछेगा, ये नहीं होना चाहिए। इस मामले में भी बहुत अच्छा लगता है, आश्रम में जितने जन गांधी जी को मिलने आते थे, गांधी जी डायरेक्टेड ऑल द विजिटर्स टुवर्ड्स विनोबा से मिलो। आप प्रश्न आपके ये है, विनोबा से बात करो, विनोबा से। इतना बड़ा पुरुष किसकी तरफ संकेत करते हैं, विनोबा भावे कौन है, उनका चेला है, शिष्य। ना उनके शरीर का पढ़ा लिखा ना उतना मजबूत, लेकिन उन्होंने देखा उसके, तो बिल्कुल इसकी चिंता नहीं करना, बढ़ने दो, सबको आगे बढ़ने दो। या ऐसी उदात्त भावना होनी चाहिए। मैं भी, मेरा सौभाग्य भी इतना अच्छा रहा, पूरे इस जितना सफर मेरे यात्रा रही 10 साल की, अभी तक 10-12 साल की, मुझे मेरी योग्यता तो उतनी होगी मैं नहीं समझता हूँ, लेकिन मुझे सब जगह इतना आगे बढ़ाए बड़े बड़े विद्वानों ने, और जहाँ पर मैं आया और वे भी बैठे बड़े बड़े, ये चलाएंगे, हम बैठेंगे और महीनों रोजाना 1-1 घंटा बराबर बैठते रहे बड़े बड़े विद्वानों की गोष्ठी के बीच में। मैं नहीं समझता, मुझे उतना आता था, तो मैं बहुत सारी चीजें सीखता रहा। समझ में आता है ये मात्सर्य। अभी कल परसों के एक बात को है, यात्री कोई आए, अब मैं और देवेश के पापा हम कुछ बात कर रहे थे वहां पर, तो यात्री यार उनको सहज में ऐसा लगा कि कुछ धर्म चर्चा इनके साथ हो सकती है, ये विद्वान है, ऐसा उनको बोलने में लगा। और यहाँ पर वैसे बैठ कर ही गए थे 15-20 मिनट एंड किया, तो फिर उन्होंने कहा कि पंडित जी तो हम दोनों में कौन देखे, तो हमें आपसे कुछ बात करनी है। तो वे वैसे कह रहे थे आपके पापा को, तो मैंने ज्यादा नोट नहीं किया उसको। तो फिर वे कह रहे ये आपसे बात करना चाहते, मैंने कहा ये, फिर मैंने उनको पूछा आप किसको बोल रहे हैं, आप मुझे कि इनको, क्योंकि मुझे कंफ्यूजन हुआ ना फिर। तो फिर नहीं नहीं आप आपसे नहीं, नहीं आपको विद्वान चाहिए, आप आपके साथ बात करें। फिर कमरे में आए, आधा पौन घंटा बात हुई, बिल्कुल उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, मैं ही बोलता रहा। और फिर मैं जब चुप हुआ, मैं बहुत डांट फटकर भी बहुत लगाए उनको किसी मुद्दे को लेकर, शायद मेरा नेचर उनको कैसा। फिर बाद में फिर उन्होंने भी अपनी तरफ से एकदम एंड में, जब मैं बिल्कुल चुप हो गया, उन्होंने कहा पंडित जी का ऐसा कहना है, समझो अभी भी बात को समझो। वे बिल्कुल बीच में नहीं बोले, बल्कि मैं कह रहा हूं उनको वे बोल रहे थे, ऐसे मुझे लग रहा है अब अंधेरे में मैं, तो वो कह रहे नहीं नहीं वो आपको बोल रहे। फिर ये हम सबको आगे बढ़ने का मौका दे, समझ में आता है। मैं भी बैठे थे, मुझे पूछ रहे थे देवेश उत्तर दो, मैं देवेश को आगे कर रहा था वहां पर भी, समझ में आता है। ये क्यों, फिर वो आगे बढ़ेगा ना, अरे वो आगे बढ़ेगा कहां से बढ़ेगा, सबको पता नहीं ये क्लास में बैठते वो आगे कहां से बढ़ेगा। और आगे बढ़ेगा तो चेला आगे बढ़ता है, गुरु को उसको लेकर कभी नाराजी होती नहीं है, सभी आगे बढ़े, सभी जगत के जीव सुखी हुए। मात्सर्य भाव नहीं करना। थर्ड, आगे फोर्थ चलेगा ना, मात्सर्य चलेगा नहीं, अंतराय। अच्छा काम चल रहा हो, ज्ञान का काम चल रहा हो, शास्त्र लेखन का काम चल रहा हो, कोई डोनेट कर रहा हो, छात्रवृत्ति किसी को स्कॉलरशिप देने को लगा हो, अपन उसको ये कहकर पीछे ले ले वे, इसमें क्या रखा, इसमें क्या खेले लगा था, अभी थोड़ी टाइम है, और फिर बाकी के भी दे रहे, अपन क्यों जल्दबाजी कर रहे इसमें, और भी देते, बहुत जन देने वाले हैं। अरे बहुत जन देने वाले हैं, लेकिन बहुत जन के देने से हमें थोड़ी पुण्य बनता है, समझ में आता है। भक्ति भाव कभी कभी लुप्त हुआ सा इसलिए लगता है, जैसे विद्वान है, विद्वान को रोज भोजन होता है सबके घर। अभी देखिए इसमें, इसको अभी क्या कहे, अच्छी बात कहे कि बुरी बात कहे, मैं सब जगह बात रखता हूं। वैसे उससे पहले और एक कहूं, मेरी एक ब्रह्मचारी भाई से बहुत काफी बात हुई थी एक इस बात को लेकर कि उनका ये कहना था कि वे मुनि होने के लिए आए थे, सच पूछो तो,
तो मेरे पास रुके थे फिर 2-3 दिन। तो उसका ये कहना था, वो धवल आदि सभी भाग पड़े हैं, उन्होंने ब्रह्मचर्य लिया है, आप लोग नहीं जानते उनको। तो वो बोले कि आप लोग कुछ भी विधि नहीं समझते आहार दान के आदि आदि की। बोले आहार दान कैसे पता चलेगा लोगों को? तो इस माध्यम से पता चलता है ना, समझ में आता है? तो देवे ना, किसी ना किसी को देवे, अपने को तो ज्ञान होता है ना। तो मैंने उसको उत्तर दिया था, मैंने कहा ऐसा नहीं है जैसा तुम सोचते हो। मैंने कहा था वैसे हम बहुत इंटीमेट फ्रेंड्स रहे पहले, उसने डॉक्टरी पूरी की और मैंने इंजीनियरिंग साथ साथ ही पूरी की थी हमने, फिर वो ब्रह्मचर्य ले लिया उसने बाद में, और फिर वो बाद में कुंभोज बाहुबली वगैरह सब पढ़ने गया, अच्छा अध्ययन है उसका भी। तो फिर मैंने उसको कहा ऐसा नहीं है जैसा तुम सोचते हो, मैं ये समझता हूं कि आप किसी को आहार दान को प्रेरित करके 364 दिन उसको शिथिल बनाते हो। कितने जन ने बात को पकड़ा मेरे, नहीं समझा आप लोगों ने? अरे मैं ये कह रहा हूं, जैसे आहार दाता है वो 365 दिन जागृत रहता है, बिकॉज उसको थोड़ी ना पता है हमको कब आहार देना है। तो 365 दिन का पुण्य बांधता है वो, और तुम एक दिन आहार देकर कल आपको आहार देना है बस, फिर परसों बिल्कुल गाफिल है वो, ये सोच करके आज किसी क्या होगा, फिर आज तो हमारा नंबर ही नहीं। मैंने कहा तुम लोगों का भ्रम है बहुत बड़ा, हम 365 दिन पुण्य कमाते हैं, आज हमारे यहां होगा नहीं। तुम लोग अरे कौन लोग क्या करते है की बात नहीं है, एक की कोई मिस्टेक हो सभी ऐसा सोचते होंगे कि मुनि है नहीं, ऐसे नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। समझ में आता है क्या कहा मैं, क्यों कह रहा हूं ये? अंतराय कहां से आया ये? हाँ मैं ये कह रहा हूं, मैं और कुछ कह रहा था बीच में, बहुत जन देने वाले हैं। अरे बहुत जन देने वाले, उससे हमको थोड़ी ना पुण्य लगता है। हमें और एक बात ये कह रहा था कि विद्वान है हमारे यहाँ, हमारे बीच में अभी यहाँ पर तो कोई वैसे बात ही नहीं है, तो खनिया दहने की बात करो, कोई विद्वान है तो फिर उसका ऐसा होता था कि जैसे मान के चलो 30 दिन रहा विद्वान, तो फिर 15 घर में या 30 घर में उसका भोजन होगा, आज आपके यहाँ, आज आपके यहाँ, आज आपके यहाँ, ऐसा ऐसा रोज सेटेड चलता है। अच्छी सिस्टम है वैसे, सेटेड है ना ये चीज, कि प्रॉपर फिर वो कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होना, उनको लगेगा हम वो पूछ लेते, उनको लगा हम पूछ लेते, और पाहुना तिन्ही घराचा, वो एक कहावत चलती है मराठी में, दोन घराचा पाहुना उपाशी, दो घर का मेहमान होता है वो हमेशा भूखा रहता है, धोबी का कुत्ता वाला लग सकता है यहाँ पर, समझ में आता है? दो घर का मेहमान है यहाँ पर भी, उसकी मेहमानदारी है यहाँ पर भी है, तो वे सोचते वे करेंगे, वे सोचते वे कराएंगे, हो गए सब, हो गए वो क्या बोले, ज्यादा हो गया ही पूछा आपने सीधा, तो वो क्या बोले, नहीं हुआ बोले क्या? तो वो ऐसी सिस्टम, तो मैं कभी ये कहता हूं पहले सिस्टम से नहीं थी, पहले सिस्टम से रहती थी वो राइट टाइम पर समाज वाले उसके पास पहुंच जाए, चलो साहब हमारे भोजन करने, आप विचार करना मुझे क्या कहना है, मेरा विचार आपको जचे ना जचे, मैं तो जैसा मुझे जचे मैं बता रहा हूं। वो कहे कि साहब चले भोजन करने, तो उससे मेरा ये कहना है सबको अवेयरनेस बराबर बनी रहती है, तो पत्नियों को भी पता रह सकता है कि हमारे पति पंडित जी को आज लेके आ सकते हैं, रोज भावना बहा सकते हैं ना, भावना का भावे का दरिद्रता, आप समझ रहे? अब उसमें एक नई आपत्ति भी है, लेकिन इसलिए मैंने कहा आप सोचना क्या आपत्ति है उसमें, हो सकती है भाई कर करा के रखे फिर वेस्ट ही चला जाए, तो पक्का तो पता चले हमारे यहां आने वाले हैं कि नहीं। लेकिन मैं तो भक्ति की तरफ से बात कर रहा हूं, आपकी वो मैनेजमेंट के पीछे भक्ति में तो गिरावट आ गई। फिर क्या हमने सोचा, हमको तो किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया, हम कैसे कहें इनको भोजन करने के लिए? और लिटरली ऐसा होता है, बड़े बड़े विद्वानों के साथ हुआ है कि आज जिसके यहां भोजन था वो बोला नहीं भूल गया, ऐसा भी हो सकता है, कई दफे मैंने देख लिया ऐसा, वो बुलाना भूल ही गए बस, फिर बादाम का जो कुछ होगा घर में जैसे तैसे पेट भरा तो ठीक, समझ में आता है? क्यों अभी वो पूरी समझ उसी के भरोसे बैठी है, फिर अचानक बीमार हो गए वो बात दूसरी है, वो दूसरों को कहे कुछ करे फिर व्यवस्था भी बने आगे। तो मैं क्यों कह रहा हूं ये अंतराय कहां से आई बात, कि ज्ञान में किसी के अंतराय नहीं डाले, अच्छा काम है सभी उस काम को करें, ठीक है? पढ़ना है पढ़ो, पढ़ने वालों को पहला प्रेफरेंस दिया जाए, और पढ़ते हुए किसी को नहीं उठाना,
समझ में आता है, जो खाली है, खाली मतलब पढ़ने से जो दूसरा यत्र तत्र काम कर रहा हो उसको जरूर कह सकते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, कोई धर्म की पुस्तक ही की बात नहीं है, नैतिक की पुस्तक का भी अध्ययन करो, नैतिकता भी सीख रहा है ना वो, गांधी जी की पुस्तक पढ़ रहा है, वर्ड रीडिंग पढ़ना चाहिए। समझ में आता है, कभी कभी उल्टा होता है, महापुरुषों के नाम पर अपन प्रथमानुयोग पढ़ते एकदम पीछे का, हमको फिर कभी लगता है हुआ होगा क्या, और एकदम लेटेस्ट पढ़ते हैं ये सब, ऐसा लगता है अभी अभी हुआ, ऐसा हुआ, ये हुआ, ठीक है। चलिए आगे, कहां तक आई बात, अंतराय, बाधा नहीं डालना, ज्ञान आवरण का आश्रय होता है और इससे विरुद्ध लगा लेना। हाँ, मैंने क्या बोला, ज्ञान आवरण का आश्रय होता है, बाधा डालने से, ज्ञान के काम में बाधा नहीं डालना कहीं। आगे आसादन, देखो इसमें भी एक बात समझना, आध्यात्मिक शिविर के नाम पर कहीं एक एक योग क्लास लगा दी, सुनना समझना आप सभी, नहीं देखो देखो बात तो सुनो ना मेरी, नहीं बात किसी की नहीं है, और सब मैं आप बीती सुना रहा हूं मेरी अपनी। एक शिविर बहुत बड़ा अरेंज हो और उसमें चार पीरियड्स, शिविर पहले सेट किया और फिर चार पीरियड्स एक डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर गुप्ता फ्रॉम दिल्ली, स्पेशलिस्ट है प्राकृतिक चिकित्सा में, उसको चार पीरियड्स उसको दे दिए प्रवचन से हटाकर, और वो क्या पढ़ा रहा है मालूम, मैं तो जाता ही नहीं था, खैर मुझे तो और पता चला तो मैं बहुत बोला, जो अपने जैनाचार में अभक्ष्य चीजें बताई है पूरी, कटहल है, पेठाफल है, पेठाफल समझते हो आप सब, वन दैट इज हंग, उसको ऐसा लोग टांगते घर में, देखा हरा हरा बड़ा चीज रस्सी से, नहीं देखा आप लोगों ने, आप लोग कुछ ही नहीं समझते, आगरा का पेठा, आगरा का कहाँ से लाया, अरे पेठाफल बोल रहा हूं मैं, चलो ठीक है, कद्दू चीज अलग है, सुनो 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 मैं क्या कह रहा हूं, सुनो अभी सुनो, ऐसी ऐसी चीजें रख रहा है वो सामने और जनता को भ्रमित कर रहा है। तो मैंने कहा ये स्वास्थ्य का यहां पर कहां से आ गया, मैंने कहा या तो आप अलग सा उसको पहले ही जो आप नोटिस भेजते हो, शिविरार्थी आए हैं ना किसके लक्ष्य से आए हैं, नहीं सभी जन बैठ रहे चाव से बैठ रहे हैं और आप ही को तकलीफ है और फिर सबका स्वास्थ्य आजकल ऐसे ही गड़बड़ चलता है, अरे तुम आध्यात्मिक शिविर के नाम पर ये बीच में कैसे घुसा लिया तुमने चार पीरियड इसके, और वो क्या दिखा रहा है लाल आकर स्टेज पर, वो ऐसे फल दिखा रहे सब अभक्स, हमारा गला सूख रहा है बोल बोल के, भाई ये चीज नहीं खानी चाहिए हमको, और वो एक सेकंड में मार्केट मार रहे पूरा, समझ में आता है ये क्या कह रहा हूं मैं, अंतराय, ये अंतराय डाल दी ना ज्ञान में आपने, ये उसके पासंग में है ना, ये संसार का अभाव करने वाली विद्या के पासंग में कहां बैठता है ये ज्ञान तुम्हारा शरीर का स्वास्थ्य का। और मैं तो ये कहता था इसके डॉक्टर ढूंढ लेंगे लोग खूब, वो कोई अपने को प्रेरणा करने की आवश्यकता थोड़ी है कि भाई हेल्थ हेल्थ को थोड़ा संभालो ध्यान रखो, कुछ नहीं कहना इसमें, वो तो वैसे ही बरबस अनादिकाल से उनका मुंह चल रहा है, हम उसमें क्यों और डाल रहे, हम तो वहां से छुड़ाने के लिए बुलाए उनको। अक्षत क्या सोच रहे तुम, सोचने जैसी कोई बात नहीं है इसमें ज्यादा, चलो आसादन, आसादन में आओ, आसादन का देखो अंतराय में लिख दो बाधा, आसादन में लिख दो, आसादन का वर्ड का अर्थ क्या है कोई बताएगा, आसादन मतलब क्या होता है, आसादन मतलब आसादन मतलब विराधना, सासादन एक गुणस्थान का नाम है, स आसन आसन भी कहते हैं उसको, सासन 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 आसन मतलब गिरना, गिरने सहित, सासदन का एक अर्थ गिरना भी होता है, यहां पर क्या अर्थ करेंगे देखिए, आसादन मतलब किसी के ज्ञान की विराधना करना, शरीर वचन से उसको गिराने का प्रयास करना, मतलब वचन से कुछ बोलना और अनादर करना, मतलब इंसल्ट करना सीधी, ये यहां पर ये कहना चाहते, पहला जो था वो ये था प्रशंसा नहीं करना,
निंदा करना और यहाँ पर अनादर के रूप में डाला है। अब बहुत मिलती जुलती बातें लग रही है, लेकिन मैंने सब टोटोला और विशेष किसी ने कोई नोट नहीं किया है। अपनी बुद्धि प्रमाण अपन समझते हैं, इसको पूरा करते हैं दो तीन मिनट में, चलेगा ना? फिर सुबह और देखेंगे। फिर आसादन, विराधना नहीं करना किसी की। देखो, सुनो सुना भी सब। देखो, एक तरफ मैंने प्रश्न काफी पूछा है, आपको पूछा होगा, ऐसे पूछा तत्व और सूत्र की टीकाओं में, एक तरफ धर्म है और एक तरफ धर्मात्मा है, ऑप्ट वन ऑफ द टू, एक का किसी का चयन करो, आप किसका चयन करोगे? टिक करना है आपको, ठीक है? अपन ये कह सकते हैं टोडरमल जी, यदि वे टोडरमल जी को छोड़ते और ये कहते कि इसको छोड़ रहे हम और उसके बदले में जितने मंदिर है सबको जला के राख कर देंगे, हम किस पक्ष को चयन करते? ये आदमी खड़ा है, अरे वो चला गया तब भी इतने खड़े हैं आज, और जिंदा रहते तो ऐसे कितने खड़े होते? आप समझते हैं, एक आदमी ने बनाए ये सब। आप जानते हो, हम स्कूल में पढ़ते थे ये चीज, वो कहते थे ऐसा, फिर उल्टा देखते थे, फिर एकदम उसको सामने आकर, फिर कोई फॉक्स बनता था, कोई मैन बनता था, कोई गन बनता था, याद आ रहा? नहीं, आप नहीं खेलते वो गेम, नहीं खेलते आप? अरे आपने कभी जीवन में नहीं खेला ये? हाँ, उसका फॉर्म बदला होगा कुछ तो। सुनो सुनो, तो उसमें ऐसा होता था, सीजर है और क्या होता है उसके सामने, स्टोन, तो दोनों में कौन जीतेगा? स्टोन, और पेपर होगा तो पेपर तो फटेगा ही बेचारा, यानी स्टोन और पेपर होगा तो पेपर जीतेगा, वो रैप करेगा, लपेट लेगा उसको, ठीक है? सुनो सुनो सुनो, अब वहां पर हमने गेम खेलते थे हम, तो उसमें ये होता था, हम दूसरा खेलते थे कि पलट कर एकदम फॉक्स बनता था, फॉक्स, फिर सामने वाला एकदम बंदूक लेके आए, बस वो जीत गए फिर तो। सुनो सुनो, और यदि वो आदमी बने, आदमी मैन, ऐसा है वो गन के सामने, मैन मेड द गन, मैन विल विन, तो मैन जीतता था वहां पर। गन वन को कौन पूछता है? रख बगल में तुम्हारे, समझ में आता है? मैं सच्ची बात कह रहा हूं, मुझे क्या कहना है बोलो, मुझे क्या कहना है? तो टोडरमल जी से पूरा सब खड़ा हो जाता ना फिर से। मैं अभी और दूसरी बात कह रहा हूं, लेकिन ऐसा उत्तर नहीं दिया वहां पर, वहां पर ये उत्तर दिया, वे कहते हैं तू प्रश्न ही तुम्हारा गलत है, तो एक तरफ धर्म और एक तरफ धर्मात्मा, ऐसा जो तुमने प्रश्न पूछा है ना, कहते हैं ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि धर्म और धर्मात्मा कोई अलग चीज होती ही नहीं है। और सुन, न धर्मो धर्मी के बिना, धर्मात्मा के ही आश्रय से धर्म रहता है, धर्मात्मा के बिना अलावा धर्म नाम की कोई चीज नहीं है। मैं यहां पर क्यों बता रहा हूं इतना? विराधना नहीं करना। मैंने आपको कहा होगा, फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री विद्वान थे, जबलपुर में गए कुछ काम, काम क्या, कुछ कार्यक्रम बना उनका, कुछ हुआ वहां पर, उनका कुछ समाज में अनबन बन गई, तो फूलचंद जी ने निकलते समय, आज से हो गए उसको करीबन 40-45 वर्ष, निकलते समय उन्होंने ये कहा, आप लोग ऐसा बर्ताव करते हो, यह अच्छा नहीं है, और समस्त ट्रस्टियों को बोला, देख लेना यहां पर कोई विद्वान कभी नहीं आएगा। और आज भी उनकी भाषा फल रही है बराबर, ऐसा दुर्दैव कि वहां पर आज तक फिर से कभी विद्वान नहीं गया। मैं क्यों कह रहा हूं ये, अपने मंदिर की तो बात नहीं है, अपने मंदिरों की तो बात ही नहीं है, होगा कोई अपर पक्ष का मंदिर, वहां पर मंदिरों की कौन कमी है, कहने की क्या बात है? जहां पर धर्मी धर्मायतन साक्षात जिसके आश्रय से धर्म पलता है उसकी विराधना होगी, वहां पर शुष्कता आए बिना रहेगी नहीं, रेगिस्तान जैसा रहेगा, विद्वान नहीं होगा, जिनवानी नहीं बोली जाएगी, ये मूर्तियां क्या करेगी? मूर्तियां बोलना थोड़ी जानती है, उनको बोलता करने वाले ग्रंथ होते हैं, और ग्रंथ को बुलवाने वाले एच, क्या हो रहा है ये, उठा के भगा दूंगा फिर, ए क्या क्या बात कर रहे हैं, जब से है
जब से देख रहे हो 10 मिनट लगे हैं, 4-5 जन क्या है जिमी जिमी क्या है तुम्हारा? ओम नमः।